हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल द कैन इंडिया में। दोस्तों, आज जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले बता देता हूं, हमारे चैनल द कैन इंडिया को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, उसके बाद जो बेल आइकॉन दिया उस पर क्लिक करें, जिससे हमारी जो भी नई अपडेट आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। पटौदी नगर से किस क्रिकेट खिलाड़ी का संबंध है? पटौदी नगर से नवाब मंसूर अली का संबंध है। गोहाणा में किले का निर्माण किस राजा द्वारा हुआ? ये था पृथ्वीराज चौहान द्वारा। हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की? हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना बंसीलाल जी ने की। पंडित जसराज शास्त्रीय संगीतज्ञ का जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म हिसार में हुआ। सर छोटू राम ने कानून की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? इन्होंने आगरा कॉलेज से सन 1911 में प्राप्त की। शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा के किस स्थान पर स्थित है? यह थानेसर कुरुक्षेत्र में स्थित है, इसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। हरियाणा सरकार ने किस तारीख को पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की? यह 29 जुलाई 2016 को। हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ स्थित है? यह कुंजनपुरा करनाल में स्थित है सन 1961 में। पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकलती है? यह ताजेवाड़ा अथनी कुंड बिराज यमुना नगर से निकलती है। हरियाणा का विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ पवित्र सरोवर कौन सा है? यह है ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में। सबसे बड़ा पशुधन फार्म हरियाणा के किस नगर में स्थित है? यह हिसार जिले में स्थित है। बल्लभगढ़ का अंतिम राजा जिसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वीरता का परिचय दिया वह थे नाहर सिंह। हरियाणा में तोमर राजा द्वारा क्या बनाया गया? सूरज कुंड जो कि फरीदाबाद में स्थित है। हरियाणा सरकार में उद्योग वाणिज्यिक पर्यावरण और औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्रालय किसके पास है? यह मंत्री विपुल गोयल के पास है। पानीपत के बाहुल्ली में कौन सा कारखाना लगा है? पानीपत के बाहुल्ली में भारतीय तेल निगम लिमिटेड की तेल रिफाइनरी है। हरियाणा राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए वर्तमान एम्बेसडर कौन है? साक्षी मलिक। अरावली का गोल्फ मैदान हरियाणा के किस जिले में बना है? अरावली का गोल्फ मैदान फरीदाबाद में बना है। हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन तामर मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई? यह सोनीपत से प्राप्त हुई। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित है? यह हिसार जिले में स्थित है, इसकी स्थापना सन 1970 में की गई। हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह थे। चीनी यात्री हवेंग शान किस सम्राट के समय में हरियाणा क्षेत्र में आया था? यह हर्षवर्धन राजा के शासनकाल में आया था। गुरुग्राम में नया औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए हरियाणा सरकार ने किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किए? यह किए चाइना फॉर्च्यून लैंड डेवलपमेंट यानी CFLD। हरियाणा में पहला उपन्यास कौन सा था? हरियाणा में पहला उपन्यास झाड़ू फिरी था। हरियाणा सरकार में पर्यटन तकनीकी शिक्षा और संसदीय मामले किसके पास है? ये सभी मामले रामविलास शर्मा के पास है। ऐतिहासिक नगर रानिया किस जिले में स्थित है? ऐतिहासिक नगर रानिया सिरसा जिले में स्थित है। सिरसा की मंझियाना परियोजना किस मिशन के तहत आती है? यह परियोजना बागवानी के तहत आती है। हरियाणा सरकार में मंत्री बनवारी लाल
किस चुनाव क्षेत्र से संबंधित है? ये बावल रेवाड़ी से संबंधित है। हरियाणा में कितने जिले हैं? हरियाणा में 22 जिले हैं। HSIDC के वर्तमान चेयरमैन कौन है? हरियाणा के किस जिले में अवस्थित है? गुजरीमल हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। करनाल में मेडिकल यूनिवर्सिटी किसके नाम से प्रस्तावित है? यह कल्पना चावला के नाम से प्रस्तावित है, जो कि करनाल से संबंधित थी। हरियाणा में हीरो मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना किस जिले में है? यह रेवाड़ी में स्थित था भाई। बीरबल का छत्ता इमारत हरियाणा के किस नगर में है? नारनौल महेंद्रगढ़ में है। हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना की शुरुआत कहाँ की? यह झज्जर से की। फरुखनगर तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किस उद्देश्य से किया गया था? यह नमक ढोने के लिए किया गया था। सर्प दमन हरियाणा के किस प्राचीन नगर का नाम है? यह सफीदो। हरियाणा का कौन सा नगर बुनकरों का शहर के नाम से प्रसिद्ध है? यह पानीपत है। हरियाणा में लिबर्टी जूते कहाँ बनते हैं? लिबर्टी जूते करनाल में बनते हैं। हरियाणा में राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? राज्यसभा के 5 सदस्य मनोनीत होते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने बलिदान दिया? नार सिंह ने अपना बलिदान दिया। चेवन देशी की स्मृति में मेला किस पहाड़ी पे लगता है? दोषी की पहाड़ी महेंद्रगढ़ में मेला लगता है। हाल ही में पशुधन बीमा योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार के किस मंत्री ने की? यह ओपी धनखड़ ने की। हरियाणा में राजे जनमेजय का संबंध किस नगर से है? सफीदो, जींद में। HSIDC के वर्तमान प्रबंध निदेशक कौन है? इनके प्रबंध निदेशक राजा वद्रु शेखर जी है। हरियाणा सरकार में महिला एवं बाल विकास, सूचना, जनसंपर्क और सांस्कृतिक मामले के मंत्रालय किसके पास है? कविता जैन के पास है, जो कि सोनीपत से MLA है। हरियाणा में प्रथम राजकवि कौन थे? हरियाणा के प्रथम राजकवि उद्यपान हंस थे। हरियाणा में लोह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? ये चौधरी बंसीलाल जी जाने जाते हैं लोह पुरुष के नाम से। हरियाणा के किस जिले की सीमा भारत के अन्य राज्यों को स्पर्श नहीं करती? दो ही जिले हैं, रोहतक और चरखी दादरी। हरियाणा में कुल कितने प्रशासनिक मंडल है? हरियाणा में कुल 6 प्रशासनिक मंडल है, अम्बाड़ा, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद। दो नए मंडल है, करनाल, फरीदाबाद। लाइक, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट्स।